ये जो रिफाइनरी से निकल रहा तेल है, इसमें जो केमिकल में ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज करते हैं, ये केमिकल के रूप में हेक्सेन जो यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, जिसको आप रिफाइन कहते हैं, आप रिफाइन कहते हैं, रिफाइन मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, रिफाइन मतलब क्या होता है, साफ करना। काले तेल को गोरा करने के लिए केमिकल डाला जाता है। अगर आप देखेंगे, आपने तो घर में काम भी किया होगा, कहीं ना कहीं अगर आपके खेत में कॉटन हुआ होगा तो आपने कॉटन की सीड को एक्सपेलर में जाकर के जब निकाला होगा तो तेल आपको निकला होगा काला। आपके तेल में आप देखिएगा, लेबल पे पढ़िएगा, लिखा होगा उसमें कि पाम ऑयल इतने परसेंट तक के मिक्स कर सकती है कंपनी, अगर आप थोड़ा गैजेट पढ़ेंगे तो। और पूरे भारत में जैसे ही पाम का रेट बढ़ता है, इमीडिएटली हमारे यहाँ तेल महंगा हो जाता है। रिसेंटली आपने सुना होगा खाने का तेल महंगा हो गया क्योंकि पाम ऑयल महंगा हो गया। क्या रिलेशनशिप है दोनों, कुछ तो होंगे, संबंध बड़े सुंदर से हैं कि आपके खाने के तेल में, जिसको आप सोयाबीन भी कह सकते हो, फल्ली का तेल भी कह सकते हो, मस्टर्ड ऑयल भी कह सकते हो, जो कहना है कह लो, सब में इस पाम ऑयल को एडल्ट्रेट किया जाता है कॉस्ट को मीट करने के लिए और पॉपुलेशन तक के प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। इन पॉपुलेशन तक प्रोडक्ट नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, ये दोनों को मिक्स करते हैं। कभी नागपुर आएंगे तो मैं वो प्रोसेस दिखा पाऊंगा, क्योंकि बिहार में तो मेरी नहीं चलती, मेरे यहां मेरी चलती है, तो मैं वहां आपको दिखा पाऊंगा कि रिफाइनरी में काम कैसे होता है। हमने क्या किया, एक छोटा सा तेल बनाया एनिमल। हमारा काम करने का स्टाइल हमेशा ही अलग रहा है, हम हमेशा ही अलग तरीके से सोचते हैं। हमने कहा, फिर वापस वही बात कहूंगा, मैं अगर टेस्ट बदलने जाऊंगा तो लोग मुझे बदल डालेंगे। तो मैंने क्या किया, भाई साहब आप मस्टर्ड ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साउथ वाला वो नारियल का तेल ही खाएगा, वो मेरा सोयाबीन नहीं खाएगा। तो मैंने क्या किया, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि आपके खाने के तेल में जब आप इस 10 ml को 1 लीटर में डालते हैं तो विल गेट टू काइंड ऑफ एडवांटेज, दो टाइप के फायदे आपको इसमें मिलते हैं। पहला, ये जो तेल में केमिकल डाल करके प्रोसेस करके आपके हाथ में जो तेल आता है, उस तेल में जो केमिकल के परसेंटेज रहते हैं, उस केमिकल के परसेंटेज को हमारा ये ओलियम प्यूरा ऑयल न्यूट्रलाइज कर देता है, जीरो कर देता है। फर्स्ट, पहली चीज, आपके तेल में डले हुए केमिकल इफेक्ट को जीरो करता है। एडवांटेज नंबर टू, तेल आप शरीर में ऑयल के पूर्ति के लिए करते हैं, जिसको आप फैट कहते हैं, कहते हैं ना, तो उस फैट में जो कंटेन होने चाहिए वो खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि आपके तेल को हायर टेम्परेचर लेवल पे एक्सपेलर से निकाला जाता है। 30 डिग्री के ऊपर अगर तेल जाता है तो आपके तेल के अंदर में जो एमिनो एसिड्स हैं वो एमिनो एसिड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आप आज निकाल लीजिए अपने बॉडी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आज ही कर लीजिए, जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं आप, और एक महीने बाद हमारा तेल खाने के बाद फिर वापस से लिपिड प्रोफाइल निकाल लीजिए, आपको फर्क दिखाई दे जाएगा कि कितना फर्क आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मिला। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ एडवांटेज कि आप इस सिंगल प्रोडक्ट से अपनी लाइफ को वापस सेव कर सकते हो। अपने तेल में मिलाने का खर्चा 3 लाख रुपए, प्रोडक्ट 3 लाख रुपए का चलेगा ना, नहीं चलेगा। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ओनली 30 रुपीज है। और जो असाइलम का रजिस्टर्ड आईडी होल्डर है उसके लिए 25 रुपए, फायदा है ना। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हम भी आपके साथ में वो रिश्ता बनाएंगे ना, तो रिश्ता बनाने के हम आपसे 25 ही लेते हैं। आप जब अगर किसी को आपने रिलेशन में देते हैं तो उसे 30 लीजिए, 5 रुपए अपने जेब पे रखिए और 25 रुपए फिर हमें दे दीजिए, फिर नया दे दीजिए। तो ये एक 25 रुपए का प्रोडक्ट हमने मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, जो अगेन एक नया इनोवेशन है। सर, इसको 1 लीटर में ही डाल देना, 1 लीटर में एक बॉटल खोल दीजिए, डाल दीजिए, 10 मिनट बस, 10 मिनट। आपके पास 5 लीटर का अगर कैन लेकर के आते हैं तो 5 में 5 बॉटल डाल दीजिए।